सबको लगता है। स्कूल ट्रिप। एक स्कूल बस रात के अंधेरे में पहाड़ के गोल गोल रास्तों पर चलती चली जा रही थी। उस बस में 3 टीचर और करीब 40 बच्चे थे। देहरादून के एक स्कूल से निकली यह बस बच्चों को स्कूल ट्रिप पर मसूरी ले जा रही थी। हम लोग थोड़ी ही देर में मसूरी पहुंचने वाले हैं। सब लोग शांत बैठे रहो। अरे सर, क्या आप भी कम से कम स्कूल ट्रिप पर तो शांत होने को मत बोलिए। हाँ सर, यहाँ तो मस्ती करना हमारा हक है। ठीक है मस्ती करो, लेकिन कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तभी अचानक मानव नाम का एक लड़का चीख पड़ता है। सब हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं तो वो सहमा हुआ बाहर देख रहा होता है। क्या हुआ मानव? वो चुड़ैल। उसके मुंह से चुड़ैल सुनकर सब डर जाते हैं और बाहर देखने लगते हैं। सबके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी, पर तभी अचानक मानव हंसने लगता है और कहता है, आप लोगों को डराना कितना आसान है। What the hell, मानव? ये क्या बदतमीजी है? इसे ही इतना डर लगता है और तू ये हरकतें कर रहा है। क्या बात है मानव, मजा आ गया, बैंड बज गई सबकी। शट अप संजू, इट्स नॉट फनी। तभी अचानक बस रुक गई। पता चला कि मसूरी आ गया है। सामने ही उनका होटल था। वो सब उतरे और होटल में पहुंचे। तुम सबके कमरे बुक है। एक कमरे में 4 बच्चे रहेंगे। रात का समय है, इसलिए तुम लोग फौरन अपने कमरे में जाओ और जाकर सो जाओ। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, उस सामने जो नहर दिख रही है ना, उस नहर के बराबर में एक खंडहर है और यहाँ के लोगों का कहना है कि वो भूतिया है, इसलिए कोई भी उस एरिया में नहीं जाएगा। और पहली बात तो रात में निकलना ही मत। किसी को कोई भी जरूरत हो तो मेरे पास आना। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट। वो सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। संजू, प्रेम, मानव और तरन एक कमरे में रुकते हैं। वो चारों सोने के लिए लेट जाते हैं, पर तभी संजू उठकर बैठ जाता है और कहता है, चलो उठ जाओ सब, हम लोग बाहर जा रहे हैं। कहाँ बाहर? उस नहर के पास। और ये कोई नहीं कहेगा कि सर ने मना किया है। सर तो मना करेंगी, यही उनका काम है, पर अगर हमने मजे नहीं किए तो हमारी ये स्कूल ट्रिप बेकार हो जाएगी। हाँ तो चल, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। अरे तुम लोग पागल हो गए हो क्या? इतनी रात पे निकलना वैसे ही खतरे से खाली नहीं है, और ऊपर से तुम लोगों को उस भूतिया खंडहर के पास जाना है। अरे चुप कर डरपोक कहीं के, उठ जा फौरन और चल हमारे साथ। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। अच्छा चल, उस खंडहर के पास नहीं जाएंगे, बस बाहर टहलकर वापस आ जाएंगे। देख कितना अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा। मानव की बातें सुनकर तरन भी उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है और चारों दबे कदमों के साथ होटल से निकलते हैं। बाहर सचमुच बहुत ठंड थी। वो लोग कपकपाते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। दूर कहीं किसी भेड़िए के बोलने की आवाज आ रही थी, जो रात में बहुत ही डरावनी सी लग रही थी। तरन को बहुत डर लग रहा था और वह उन सबसे वापस चलने को कह रहा था, पर जब वह लोग उसे आगे लेते चले गए और आखिर वह उस नहर के पास पहुंच गए जिसके बराबर में वह खंडहर था। मैंने तुम लोगों को मना किया था, पर तुम फिर भी मुझे यहाँ लेकर आ गए। चलो फौरन यहाँ से वापस चलो। अरे ये भूत वूत सब कहने की बातें हैं, असल में ऐसा कुछ नहीं होता है। देख एक नॉर्मल घर है ये। हाँ और क्या, चलो अंदर चलते हैं। तुम लोग पागल हो, वापिस चलो फौरन, वरना हम लोग मारे जाएंगे। तभी अचानक तरन को एक पायल की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वह और ज्यादा डर जाता है। पर बाकी सब खंडहर के दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। प्रेम आगे बढ़कर उसका दरवाजा खोलता है तो अचानक चमगादड़ों का एक झुंड उड़ता हुआ निकलता है, जिससे वो सब जमीन पर गिर पड़ते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ वापिस चल लो प्लीज। चमगादड़ थे ये, भूत नहीं, चल उड़ जा। वो चारों खंडहर के अंदर पहुंचते हैं तो अंदर उन्हें गर्मी का एहसास होता है। उन्हें बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो आगे बढ़ते जाते हैं। एक बार फिर से पायल की आवाज आती है और इस बार आवाज सबको सुनाई देती है। सुना, फिर से ये पायल की आवाज आ रही है। हाँ लग तो रही है, पर हो सकता है कोई बिल्ली होगी जिसके गले में घंटी बंधी होगी। प्रेम का इतना कहना था कि अचानक उस खंडहर के अंदर बहुत तेज आंधी चलने लगी। उस आंधी के चक्कर में चारों लोग बिछड़ जाते हैं और अलग अलग कमरों में पहुंच जाते हैं। उन चारों कमरों में एक एक मोमबत्ती जल रही थी, जिससे कमरे में हल्की रोशनी हो रही थी। प्रेम, संजू, मानव, कहाँ हो तुम लोग? मैं किसी कमरे में हूँ, पर इस कमरे से बाहर आने का रास्ता नहीं दिख रहा है। हाँ मैं भी ऐसे ही एक कमरे में हूँ। तरन, मानव और संजू को तो एक दूसरे को आवाज देते हैं, लेकिन प्रेम की कोई आवाज नहीं आती।
वो तीनों मिलकर प्रेम को आवाज लगाते हैं, पर प्रेम का कुछ अता पता नहीं चलता। प्रेम इसलिए नहीं बोल पा रहा था क्योंकि जिस कमरे में वो था वहां उसके सामने चुड़ैल खड़ी हुई थी। चुड़ैल दिखने में इतनी खतरनाक थी कि उसे देखकर प्रेम की आवाज ही बंद हो चुकी थी। उस चुड़ैल के बाल जमीन को छू रहे थे, उसकी आंखें बिल्कुल काली थी जिनसे खून निकल रहा था, और उसके हाथों के नाखून लगातार बड़े होते जा रहे थे। चुड़ैल, मुझे छोड़ दो। चुड़ैल बिना कुछ बोले उसकी तरफ बढ़ने लगती है। डर के मारे वो कमरे के बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर जाने के लिए उसे कोई दरवाजा नजर नहीं आता। वो बुरी तरह से दीवारों पर हाथ मारता है कि शायद कहीं पर कोई दरवाजा मिल जाए, पर बचने की कहीं कोई उम्मीद नहीं थी। वो चुड़ैल उसके करीब आती जा रही थी और आखिरकार वो उसे मार देती है। प्रेम, प्रेम, कहाँ है तू? मोमबत्ती को दीवार के पास लेकर आओ, दरवाजा मिल जाएगा और बाहर आ जाओ। वो तीनों मोमबत्ती को दीवार के पास लाते हैं तो उन्हें दरवाजा मिल जाता है। तीनों बाहर आते हैं और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता क्योंकि उनके सामने प्रेम की लाश पड़ी हुई थी। तरन यह देखकर अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है और रोने लगता है। हम में से कोई नहीं बचेगा, वो हम सबको मार डालेगी। मैंने इतना मना किया पर तुम लोग नहीं माने। चलो फटाफट यहाँ से निकलो। हाँ चलो। पर प्रेम का क्या, उसे यहीं छोड़ दोगे? वो मर चुका है, चलो यहाँ से। वो लोग अभी एक कदम भी नहीं बढ़ पाए थे कि अचानक उनके सामने चुड़ैल प्रकट हो गई। वो अपने चारों हाथों और पैरों पर चल रही थी। उसे देखकर उन सबकी चीख निकल गई। वो फौरन दरवाजे की तरफ भागे, पर वह दरवाजा अपने आप बंद हो गया और वह चुड़ैल किसी जानवर की तरह उनकी तरफ बढ़ने लगी। वो लोग बस दरवाजे को पीट रहे थे और चिल्ला रहे थे। चुड़ैल ने हाथ का इशारा किया और वो तीनों हवा में उड़ने लगे। अब हमारे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मेरे और प्रेम की मौत के जिम्मेदार तुम लोग हो, हमें माफ कर दो तरन। चुड़ैल उन्हें मारने ही वाली थी कि तभी अचानक उस खंडहर का दरवाजा बाहर से खुला और रमेश अंदर आया। रमेश को देखकर उन तीनों की जान में जान आई और वो चिल्लाने लगे, सर हमें बचा लीजिए। हमें माफ कर दीजिए सर, हमने आपकी बात नहीं मानी, प्लीज हमें बचा लीजिए। सर मैंने इन लोगों को बहुत मना किया था पर ये लोग मुझे जबरदस्ती यहाँ लेकर आ गए, प्लीज हमें बचा लीजिए। वो तीनों रमेश से उन्हें बचाने की गुहार लगा रहे थे, पर रमेश जैसे उनकी कोई बात ही नहीं सुन रहा था। उसने उन्हें इग्नोर करते हुए चुड़ैल से कहा, ये चार शिकार मैंने भेजे थे तेरे लिए, अब चार साल तक मुझसे कोई उम्मीद न रखना। ये आप क्या बोल रहे हैं सर? चुप कर, मुझे बात करने दे। ठीक है। ये क्या चल रहा है, क्या आप हमारी बलि दे रहे हैं? हाँ, मैंने यहाँ आते ही तुम लोगों को खास तौर पर इस जगह के बारे में इसीलिए तो बताया था क्योंकि मुझे इस चुड़ैल को तुम्हारी बलि देनी थी। मुझे पता था तुम लोग मेरे मना करने पर यहाँ जरूर आओगे। पर क्यों? क्योंकि बहुत पहले मुझसे धोखे से इस चुड़ैल का एक बच्चा मर गया था। तब से ये मेरी सजा है कि मुझे इसको हर साल एक बच्चा शिकार के तौर पर ला कर देना होता है। हे भगवान, अब तक आप कितने बच्चों को मार चुके हो? अरे चुड़ैल, तू बातें क्या सुन रही है? खत्म कर दे इन लोगों को। और अब मैं चार साल बाद आऊंगा। रमेश का इतना कहना था कि बस वह चुड़ैल उन तीनों को बारी बारी बेरहमी से मार देती है। रमेश को उनको मरते देख कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर दिल ही ना हो। शुक्र है मुझे चार साल का सुकून मिल गया, अब मैं ये देश छोड़कर ही चला जाऊंगा। तंग आ गया हूँ मैं इस चुड़ैल से। चुड़ैल रमेश के मन की बात जान जाती है और जैसे ही वह बाहर जाने लगता है तो वह अपना हाथ लंबा करके उसे पकड़ लेती है। रमेश चिल्लाता है और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। ए चुड़ैल, तू क्या कर रही है? छोड़ दे मुझे। मैंने आज तक तुझे कितने शिकार ला कर दिए और तू मेरे साथ ये सुलूक कर रही है? छोड़ दे मुझे चुड़ैल। पर चुड़ैल उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देती है। अगले दिन उन पांचों की लाश पास की नहर में तैरती मिलती है, जिससे पूरा मसूरी शहर सहम जाता है।